नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे गुजरात के मोरबी में हुए बेहद दुखद घटना के बारे में। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना 143 साल पुराना सस्पेंशन केबल ब्रिज रविवार शाम टूट गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें अब तक 140 से ज़्यादा लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। मोरबी में हालात बेहद भयावह हैं। मच्छू नदी पर बना केबल पुल ही नहीं, टूटा इस घटना के साथ कई परिवार भी तबाह हो गए। कहीं पिता अपने लापता बच्चों को तलाश रहा है तो कोई माँ अपनी बच्ची के खोने की गम में डूबी हुई है। सैकड़ों परिवार एक पल में बिखर गया है। पूरा गुजरात इस चीख पुकार से मातम में है और देश अस्तब्ध है। पुल बनने के बाद से ही कई बार इसके मरम्मत का काम भी किया गया था। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। हाल ही में दिवाली से पहले इसके मरम्मत का काम 2 करोड़ की लागत से किया गया था। बताया जा रहा है कि ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फीट तक पानी था। कुछ लोग तैर कर बाहर निकल आए लेकिन कई लोग झूले पर लटके रहे। ये पुल नगर निगम के दायरे में आता है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की है, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते हादसे के वक्त ब्रिज पर 400 से 500 लोग जमा थे। इसी के चलते ब्रिज बीच से टूट गया, जिससे इस घटना में 140 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और अब तक इस पर क्या एक्शन लिया गया है। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरोवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। ग्रुप के पास ब्रिज की सुरक्षा, सफाई, रखरखाव, टोल वसूलने, स्टॉफ का प्रबंधन है। इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो हादसे की जाँच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इस FIR में ओरवा कंपनी या उसके मालिक का नाम नहीं है। यहाँ टिकट के ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। मुनाफे के लालच में टिकट बेचने वालों ने क्षमता से ज़्यादा लोगों को टिकट दे दिए, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रात में ही SDRF, NDRF, आर्मी और वायुसेना की टीमें पहुंच गई थी। इनके अलावा जामनगर यानी 100 किमी दूर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो भी पहुंचे। आज सुबह NDRF अफसर ने बताया कि कुछ शव पुल के नीचे फंसे हो सकते हैं। मटमैले पानी की वजह से लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू बोट्स, तैराक, गोताखोर के अलावा दर्जन भर टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने हादसे के प्रभावितों को मदद का ऐलान किया है। केंद्र मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव की जल्दबाजी में BJP ने पुल को लोगों के लिए जल्दी खोल दिया। खुलने के 5 दिन बाद ही पुल कैसे ढह गया, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनानी चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल का जाकर जायजा लेंगे, साथ ही पीड़ित परिवार और घायलों से मुलाकात भी कर सकते हैं। मोरबी का ये सस्पेंशन ब्रिज 143 साल पुराना है और इसकी लंबाई करीब 765 फीट है। ये सस्पेंशन ब्रिज गुजरात के मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये उस समय लगभग 3.5 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने का पूरा सामान इंग्लैंड से ही मंगाया गया था। ब्रिज का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल सर बागजी ठाकुर की रियासत के दौरान हुआ था। उस समय राजा राजमहल से राजदरबार तक जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई थी। लकड़ी और तारों से बना ये पुल 233 मीटर लंबा और 4.6 फीट चौड़ा है। अब सवाल है कि मोरबी ब्रिज हादसे का मुजरिम कौन है और जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए न्यूज़ बड़ इंडिया।